जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट के बारे में, और कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुआ है ये भी आपसे बात करेंगे। रिटर्न एग्जाम कब होगा, एग्जाम की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि 2020 में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट के बारे में। तो यहां फ्रेंड्स, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स लास्ट डेट का 4 दिन पहले का है, जो इस दिन लास्ट डेट था उससे 4 दिन पहले मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उस दिन का स्क्रीनशॉट है। इसलिए मैंने 4 दिन पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था ताकि आगे साइट स्लो हो जाए, साइट ना चले तो मेरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए मैंने 4 दिन पहले ही अपना फॉर्म भरा था और रजिस्ट्रेशन किया था। इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लगभग आपके इस साल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर 4259 जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, सारे जितने भी लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है उनमें यहाँ पर ये 42 सब में होगा, ये यहाँ पे 42 जो दिख रहा है ये सब में होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आता है लेकिन फ्रेंड्स ये काउंट में नहीं आएगा कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 4 दिन पहले जो लास्ट डेट था उससे 4 दिन पहले मैंने फॉर्म अप्लाई करा था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। मैंने 6 तारीख के आसपास अप्लाई किया था, डेट बढ़ा था इसका। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5,92,354 टोटल यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिला होगा, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ ये देखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि 4 दिन पहले आपका यहाँ पे 6 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसका मतलब ये है कि 6.5 लाख के आसपास इस साल फॉर्म अप्लाई हुए हैं बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में 6.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मैं आपको ये कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अनुमान से ही बता रहा हूँ, जैसे आपको देखने को मिला होगा। 4 या 5 दिन पहले मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था, उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो मेरा अनुमान है 6.5 लाख यहाँ पे आपका इस साल बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और टोटल यहाँ पे 484 पोस्ट पर भर्ती आई थी। यहाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा यहाँ पर 484 पोस्ट पर टोटल भर्ती आई थी और फ्रेंड्स फॉर्म भरा गया था 6.5 लाख प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और कटअप भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा। पिछले साल का भी कटअप का वीडियो बोलिएगा तो मैं बता दूंगा कि कितना कटअप गया था। तो फ्रेंड्स, यही आपका फॉर्म अप्लाई हुआ, 6.5 लाख के आसपास आपका फॉर्म अप्लाई हुआ। इसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम डेट देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने किसी ब्राउजर गूगल सर्च बार पे, और यहाँ पे आकर ऑल जॉब्स को लेकर सर्च कर लूँगा, या फ्रेंड्स मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस पेज पे आएंगे, आपको आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड। आपका एग्जाम डेट के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बताएगी कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और भर्ती के बारे में बताएगा कितने पोस्ट के लिए टोटल भर्ती आई थी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे पोस्ट नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएगा, आगे भी बताएगा एप्लीकेशन फ़ी क्या लगा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी को पता होगा, यहाँ पे 4/9/2020 रखा गया था, इसके बाद फ्रंट डेट बढ़ा भी था। एग्जाम डेट यहाँ पे अभी नहीं बताया गया कंफर्म, जैसे बताया जाएगा यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, आप आकर के देखते रहिए। आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो आप सभी को पता होगा सिलेक्शन में क्या रहता है, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेरिट बनेगा, यही 4 पोस्ट रहेगा आपका, प्रोसेस रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे नीचे आएंगे यहाँ फ्रेंड्स एग्जाम के बारे में बताएगा कि एग्जाम कब होने वाला है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे यहाँ पर बताएगा फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक का आपका एग्जाम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर में आपका एग्जाम डेट आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम होने वाला है, और कंफर्म भी नहीं कर रहा हूँ कि इसी डेट को आपका एग्जाम होगा। ये फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम है नवंबर, लगभग आपका नवंबर में इसका डेट आएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, वो डेट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा और यहाँ पर अपडेट कर दूंगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अनाउंस होने वाला है अक्टूबर या नवंबर में अनाउंस हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले आपके जो आपके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और मैं उसका भी एडमिट कार्ड वीडियो बना लूँगा जैसे भी एडमिट कार्ड आएगा।
तो फ्रेंड्स और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपके फिजिकल के बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेबस जानना है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ से आकर अपना सिलेबस देखिए, तैयारी कीजिए, एग्जाम में लगभग अभी 2 या 3 मंथ है, और जैसे ही कोई अगला अपडेट रहता है मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इंतजार कीजिए, लगभग नवंबर या दिसंबर तक आपका एग्जाम इस साल होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको इतना बताता है इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।